Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear angels. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to do our application. Okay, we have an application in our tutor syllabus. That is, after you leave for urgent piece of work. आप लोगों को क्या करना है? Application देनी है, leave देनी है. Piece of work है आपको घर में, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए. Fine. जब भी आप एप्लीकेशन लिखिए इसी फॉर्मेट से चले और इसी तरह से लिखें जिस तरह से मैंने फॉर्मेट आपको दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टू द प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन रहती है हमेशा स्कूल में, तो आप वैसे ही लिखेंगे. आपके स्कूल का नाम हाकिया है, देन यू हैव टू राइट हाकिया स्कूल पुंछ. ठीक है, ये वाली चीज पे आपने ज्यादा कंसंट्रेशन रखनी है, ये चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए. टू द प्रिंसिपल हाकिया स्कूल पुंछ, ये आपका पहला स्टेप रहेगा. सेकेंड स्टेप इज सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं छुट्टी के लिए, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आपके घर में बहुत जरूरी काम है, उसके लिए आप लोगों को छुट्टी चाहिए. देन वो हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. जिस काम के लिए हमें करना होता है छुट्टी लेने के लिए, कोई काम होता है, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है. ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है. नाउ आवर थर्ड पार्ट एप्लीकेशन, रिस्पेक्टेड सर. ठीक है, अगर मैम है तो आप बोलेंगे रिस्पेक्टेड मैम. अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं देन यू हैव टू राइट रिस्पेक्टेड सर, आप सर ही लिखेंगे. आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे. आप कहते हैं मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे, मुझे बहुत ज़रूरी काम है. So I would say, ये दो बार हो गया है. I would have to stay at my home, मैं इसलिए अपने घर पे ही रहूँगा. At my home rather than attending my school, स्कूल अटेंड करने की बजाय. ठीक है, मैं स्कूल क्लासेज, जो मेरी स्कूल क्लासेस होंगी वो मैं उसको अटेंड नहीं कर सकता हूँ. काइंडली अलाउ मी लीव फॉर वन डे, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी दी जाए. आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी या रहूँगा. ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से लास्ट टाइम फिर से देख लीजिए. थैंकिंग यू इसी तरफ आएगा, योर सॉबिडेंटी सेम एज इट, जैसे मैंने लिखा है. नेक्स्ट पे आप लोग यहाँ पे स्पेस नहीं थी, नेम लिखेंगे अपना जो भी है, अपना क्लास लिखेंगे. इफ यू नो द रोल नंबर यू हैव टू राइट द रोल नंबर. फाइन, ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ अ एप्लीकेशन. ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है. तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क टूडे, मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है. सो आई वुड हैव टू स्टे एट होम, इसलिए मैं घर पे ही रुकूंगा. रैदर देन अटेंडिंग माई स्कूल क्लासेस को अटेंड करने के बजाय. आई शुड बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे छुट्टी देते हैं. लास्ट में वही रहेगा, थैंकिंग यू योर सॉबिडेंटली नेम क्लास रोल नंबर. फाइन, ये रहा आपका एप्लीकेशन. यही फॉर्मेट यूज कीजिए, स्टेप जैसे हैं 1 2 3 4 5, इन्हीं स्टेप्स के साथ चलना है और इसी तरह अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ यू हैव एनी क्वेरी टू दिस यू हैव टू कॉल मी, आई विल सेंड मी. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.